बीजेपी के नेता हैं और उनकी तरफ से बुद्धदेव के निधन पर ये बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने बुद्धदेव के निधन को एक बड़ा दुख बताया और साथ ये भी कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य अब नहीं रहे। सुबह 8:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और काफ़ी सालों से वो राजनीति से भी दूरी बनाई हुई थी अपने सेहत को लेकर, अपने स्वास्थ्य की वजह से, और बीमार चल रहे थे। इस बीच सुबह 8:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, यानी वो दुनिया को अलविदा कह गए। इस बीच आपको बता दें, बुद्धदेव के निधन पर शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, बंगाल के बड़े नेता, उनकी तरफ से दुख जाहिर किया गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये कहा शुभेंदु अधिकारी ने। सुजाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जैसे कि जिक्र आप कर रही हैं बुद्धदेव के राजनीतिक करियर का, उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा सुजाता कि आज जो विरोधी दल हैं वो भी एक बड़ा नुकसान बता रहे हैं राजनीति के लिए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें भी काफी दुख है। मतलब जो उनका व्यक्तित्व रहा है, आज ना सिर्फ उनकी पार्टी के लोग, उनके परिवार के लोग, बल्कि कहें तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए भी एक बड़े नुकसान के तौर पर विपक्षी दल, विरोधी दल भी देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है राजनीति में। जब तक जो व्यक्ति मौजूद होता है, वैचारिक लड़ाई होती है, अपनी अपनी पार्टियों के जो तर्क होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, विचारधारा होती है, उसको लेकर लड़ाई होती है, लेकिन व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं होती है। और वही आज जो हम रिएक्शंस देख रहे हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, वो वही है। कोई राजनीतिक, ये राजनीतिक मामला है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। एक व्यक्ति के तौर पर सभी पार्टियां बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का सम्मान करते थे और आज वही देखने को मिल रहा है। और ये भारतीय राजनीति की खूबसूरती भी है कि व्यक्तिगत स्तर पर और खास तौर पर जो हमारी संस्कृति है, उसमें कोई भी बड़े बुजुर्ग हो या उनकी उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रति कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती, ससम्मान उनको सम्मान दिया जाता है। और उसी तरह की का जो हमारा कल्चर है, उसका पालन आज भी करते हैं, तमाम राजनीतिक दल भी करते हैं। जो जब कोई पॉलिटिकल मामला होता है वो एक अलग बात होती है, तब तमाम तरह की बयानबाजी होती है, लेकिन कोई व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह दिखाई दे रही है। आपके पास हम लौटेंगे सुजाता। हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं। अनूप, 8:20 पर निधन हो गया है, जरा ये बताइए कि आगे क्या अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना है, क्या उसके लेकर व्यवस्था हो रही है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज सुबह की एक घटना है 8:20 की, और कहा यह जाता है कि एक दशक जो है, एक दशक सीपीएम के तरफ से वो मुख्यमंत्री रहे और 34 साल का शासन था सीपीएम का, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में, और 34 साल के शासन में दूसरे और आखिरी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। मतलब एक दशक उन्होंने पूरी तरह से राज किया, और जिसकी जानकारी आप बता रही हैं, उसके बाद अभी पूरी बात सामने नहीं आ पाई है, लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। क्योंकि सीपीएम ने बहुत लंबे वक्त तक पश्चिम बंगाल में शासन किया है, तो कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है कि आखिरी दर्शन उनका करें, थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कब से समय दिया जाएगा, कब से कब तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा आखिरी दर्शन के लिए। लेकिन उनका एक अलग कद था, बहुत बड़ा कद था, पोलित ब्यूरो के सदस्य भी थे और अभी कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहे थे। 80 साल की उम्र उनकी बताई जा रही है। पारिवारिक जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि एक बेटी है उनकी, पत्नी है उनकी, और ये भी जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले अस्पताल में उनको अलीपुर द्वार में भर्ती भी कराया गया, तो घर में ही बाद में इलाज चल रहा था उनका। लेकिन उनके देहांत के बाद एक बड़ा झटका राजनीतिक जीवन को, कह सकते हैं आप कि बड़ा सदमा है सीपीएम के लिए भी और पश्चिम बंगाल के लिए भी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और एक लंबा कार्यकाल उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिया है, 11 साल तक शासन किया, और उसके बाद ही सीपीएम का धीरे धीरे कद गिरा था, उसके बाद सीपीएम सत्ता से हटी। लेकिन हाँ, बुद्धदेव भट्टाचार्य के बारे में कहा जाता है कि बहुत सुलझे हुए आदमी थे, लोगों की बातों को समझते थे, और सीपीएम को लेकर कहा जाता है कि एक आधार, पिलर, स्तंभ भी उनको माना जाता था। बिल्कुल अनूप, आप बता रहे हैं कि कितना उनका राजनीतिक करियर बहुत सशक्त रहा है। वहां पर मौजूद है जलपाईगुड़ी में, वहां पर जिस तरीके से उनका वर्चस्व रहा है, तो निश्चित तौर पर वहां के जो लोग हैं वो इस समय बहुत दुख में होंगे, गमगीन होंगे। अनूप,
बिल्कुल, देखिए अभी बहुत ज़्यादा बातचीत तो हालांकि नहीं हो पाई, और सीपीएम क्योंकि बहुत समय से सत्ता से बाहर है और ममता बनर्जी के साथ सरकार में इस वक्त ममता बनर्जी है, उनके टीएमसी है, तो अब धीरे धीरे लोग जुटेंगे। बहुत लोगों से बातचीत हमारी नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ जो लोग हैं सीपीएम के ज़्यादातर लोग जो होते हैं भले इंटेलेक्चुअल होते हैं, सब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, और अब जो प्रतिक्रियाएँ हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगी। सीपीएम के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो कार्यकर्ता एक बार फिर एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे बुद्धदेव भट्टाचार्य के नाम लेकर या फिर उनके कदमों पर चलकर आगे, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और एक दुख की घड़ी तो है, सीपीएम के लिए सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा झटका है। और अब जब लोग सामने आएंगे, जब अंतिम दर्शन होगा, उस समय आपको भी पता चलेगा कि लोग कितने दुखी हैं, कितना गहरा उनको सदमा लगा है बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन से। बिल्कुल, तो अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि बुद्धदेव भट्टाचार्य अब नहीं रहे, सुबह 8:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है, और इस बीच अब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें बुद्धदेव के निधन पर अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं, और शुभेंदु अधिकारी ने इसे गहरा दुख बताया, साथ ही भी कहा कि भगवान उनकी आत्मा बिल्कुल शांति दे। सुजाता भी लगातार हमारे साथ बनी। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। तो आपको बता दें कि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार पेश करेगी। 40 संशोधन के जरिए इस बिल में बड़े बदलाव भी देख सकते हैं। इससे पहले बिल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष बिल के विरोध में मोर्चा खोल चुका है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओवैसी सब विरोध में उतर आए हैं। वहीं सरकार की तरफ से यह दावा है कि इस बिल से वक्फ की मनमानी रुकेगी और कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सुजाता हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। सुजाता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आज वो बिल पेश किया जाएगा जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से लगातार हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि पहले 5 अगस्त को इसके पेश होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 12 बजे का समय आज दिया गया है और इसे लेकर काफ़ी समय से राजनीति चल रही है। दरअसल फिर एक बार मामला जो है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मामले में आमने सामने आ गए। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि क्योंकि ये जो पूरा तरीका है 2013 में खासतौर पर जो जिस तरह से अमेंडमेंट हुए वो बहुत ही अन्यायकारी है, और जो गरीब मुस्लिम है वो खुद इसके विरोध थे और उन्होंने इस तरह की चाहत की थी, इस तरह की शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार को ये करना पड़ रहा है। 40 से ज्यादा संशोधन लाए जा रहे हैं जिसमें मुख्य बातें ये हैं कि बोर्ड का जो गठन होता है उसमें कुछ नए तरीके जोड़े जाए, उसमें महिलाओं को शामिल किया जाए, गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाए, प्रॉपर्टी का सर्वे करने का अधिकार जो है वो स्थानीय अधिकारियों को दिया जाए, कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो आप अदालत की शरण में जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वक्फ के पास इस तरह की असीमित शक्तियां हैं, वो जिसे चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर देता है और फिर वो जो व्यक्ति है उसे ये साबित करना पड़ता है कि नहीं वो उसकी प्रॉपर्टी है। आप सोचिए कि जो गरीब मुसलमान है वो कहां से वो इस तरह की जंग लड़ेंगे और कैसे वो खुद को इस मुसलमान है, महिलाएं हैं, एक बड़ा तबका है मुसलमानों में ही जो ये चाहता है कि इसमें तब्दीलियां की जाएं, चेंजेस किए जाएं, क्योंकि इतना पावरफुल वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम देशों का भी नहीं है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ये जो सारे चेंजेस जो आम लोग चाहते हैं, कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो ऊंची पोजीशंस पर बैठे वो नहीं चाहते कि ये चेंजेस हो। सुजाता, बिल्कुल, वो क्यों जाएंगे, यही सवाल है, क्योंकि वो क्योंकि उनके पास असीमित शक्तियां हैं और जिसके पास भी असीमित शक्तियां आ जाती हैं वो कभी नहीं चाहता कि उसमें किसी तरह का कोई संशोधन हो, कोई उसको उसकी ऑडिटिंग करे, और यही कोशिश हो रही है, क्योंकि इस तरह से असीमित शक्तियां किसी तरह से नेचुरल जस्टिस नहीं है। अगर किसी के साथ भी कोई अन्याय होता है तो उसके पास ये मौका होना चाहिए कि वो कहीं जा सकता है जहां से उसको कोई कानूनी मदद मिल पाए। यहां पर कानूनी मदद का प्रावधान है वही नहीं, आप कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जिस तरह से संरचना की गई है उसमें भी बदलाव करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसमें महिलाओं बिल्कुल सुनिश्चित करना होगा। उसके अलावा बिल्कुल सुजाता, और देखना होगा क्या होगा। आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं वक्फ संशोधन विधेयक पर। संजय जायसवाल का बयान सामने आया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय में कई शिकायतें आ रही थी, ये संजय जायसवाल कह रहे हैं, यूपीए सरकार जाते जाते ये कानून दे गई। आइए सुनते हैं।
संजय जी, आज वक्फ बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ही इसके विरोध में जो एडजर्नमेंट मोशन है वो दे दिया है। आप लोग को क्यों जरूरत पड़ी कि इस बिल को लाना चाहिए? क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय में लगातार शिकायतें आ रही थी कि उनके साथ नाइंसाफी होती है और वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि अगर उसे किसी संस्था अथवा सरकार से न्याय नहीं मिलता तो वह हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट जा सकता। यह एक विचित्र कानून जाते जाते यूपीए की सरकार ने कह दिया था कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आपको पुनः वक्फ में जाना, मतलब मैं जो फैसले दे रहा हूं मेरे खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो मेरे ही पास आना। इस तरह का कानून इस देश में इतने दिनों से चल रहा है, बहुत ही अफसोसजनक है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कांग्रेस सच्चर कमेटी की बात करती थी, जिस कांग्रेस के जेपीसी के नेतृत्व के रहमान खान ने किया था, आज जेपीसी का रिकमेंडेशन लागू हो रहा है तो उसमें क्या तकलीफ है? संजय जसवाल जी का आखिरी सवाल, कह रहे हैं जो अमेंडमेंट है उनमें से एक अमेंडमेंट ये भी है कि नॉन मुस्लिम भी रहेंगे इस वक्फ बोर्ड में अब, लेकिन सपा और कांग्रेस ये कह रही है कि माइनॉरिटी से भेदभाव कर रही है, कम्यूनल कर रही है चुनाव से पहले भाजपा। पहले तो कांग्रेस को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि कर्नाटक में हिंदुओं के मंदिर के कमेटी में मुसलमानों को रखने से उनको क्या दिक्कत है भाई, फिर अपने लिए तो नियम पालन करें, कर्नाटक में तो वो नहीं करते। दूसरी बात है, ये बिल इंट्रोडक्शन हो रहा है, यह कानून नहीं है, बिल इंट्रोडक्शन हो रहा है, सभी से चर्चा होगी, सभी के चर्चा होने के बाद जो अमेंडमेंट आएंगे सरकार तो वो हो जाएगा, इसी सेशन में पास हो जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी में जाने की संभावना। आज वह बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी क्या फैसला लेते हैं और सबों की बात सुन के जो भी निर्णय वह करेंगे, जो निर्णय सरकार करेगी हम सब उसके साथ। सरकार उसको रिव्यू भी कर सकती है, अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं, पार्टी की लाइन जो होगी वो हम लोग रख लेंगे। देखिए, कानून में यदि कोई खामियां हैं तो उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन कानून में कोई इस तरीके का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए जो किसी वर्ग विशेष किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि मेरे साथ जो है दुर्भावना से ग्रसित होकर के काम हो रहा है। तो अभी देखेंगे कि बिल में क्या उन्होंने परिवर्तन किया है और जब वो देखा जाएगा तो उस पर हम लोग भी अपनी आवाज़ को उठाएंगे। सर, कुछ पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सरकार जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और इसीलिए वक्फ बोर्ड के बहाने एक कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो आपसे कह दिया ना कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के यदि कोई सरकार काम करेगी तो उसका समर्थन कोई नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई ऐसी खामियां हैं जिसमें जनहित प्रभावित हो रहा तो अगर उसमें अगर अमेंडमेंट लाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वक्फ संशोधन बिल आज पेश किया जाना है 1 बजे करीब और उसको लेकर अभी से ही विपक्ष के तीखे बोल सामने आने लगे हैं। मीसा भारती कह रही है कि पूरा